सबसे पहले कल था एग्जाम स्पेनिश का, टेले का, अलग अलग लेवल का। तो मेरे दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने A1 का एग्ज़ाम दिया, और एक स्टूडेंट हैं जो कि कलकत्ता एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, और दूसरे स्टूडेंट हमारी अफ्रीका की हैं, नैरोबी में रहती हैं, इंडियन है, और वो नैरोबी में की वहाँ की जो कुछ कोई यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उसका सेंटर था, तो वहाँ एग्ज़ाम देने गई थी। और दोनों लोगों का मतलब ये पूरी दुनिया में, इसे ये भी पता चला कि पूरी दुनिया में स्पेनिश का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही लगभग होता है, क्योंकि जो उनसे चीज़ें पूछी गई वो सारी चीज़ें सेम थी। आप लोगों को मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आप लोग भी स्पेनिश एग्ज़ाम के प्रिपेयर करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहली चीज़ कि इंडिया में दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, कैलकटा, और अब शायद भोपाल में भी सेंटर इसका शुरू हो रहा है। पेज में लिखा होता है लेकिन अभी एग्जैक्टली उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और ये दिल्ली और जयपुर, ये सब तो फिक्स हैं। जिसमें से तीन को तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, जयपुर, दिल्ली और ये कलकत्ता, जहाँ से मेरे ही जानने वालों ने एग्ज़ाम दिए हैं। तो सबसे पहली नेक्स्ट ईयर में, पहली बात तो साल में इसके कई बार एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इस साल का जो डेट था लगभग सेम डेट ही होती है हर साल, है ना। तो मैं पिछले 3 सालों से 4 इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे टेले एग्जाम डेट, ठीक है, ये इसकी डेट है। अभी अगले साल की डेट नहीं आई है, वो जनवरी के आसपास आ जाती है। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है, ये देख लो, 1 अप्रैल को एग्ज़ाम था और इसका रजिस्ट्रेशन डेडलाइन थी फरवरी में, ठीक है। फिर उसके बाद 16 मार्च को जो इसका फॉर्म फिल करना था और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था मई में। फिर 4 मई को फॉर्म भरा गया था, लास्ट डेट थी, और जुलाई में पेपर हुआ, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। एग्ज़ाम सेंटर ये आप देख लीजिए, ये तीन इंडिया, तो लाहौर है पाकिस्तान का, बाकी ये दिल्ली, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, और ये जो नवंबर में इसका मेन एग्ज़ाम होता है जो कलकत्ता में भी होता है, ठीक है। ये देखो जयपुर, कोलकाता, है ना, भोपाल में भी इन्होंने लिख रखा है। और इसकी एग्ज़ाम फीस होती है, ये देखो, इंडिया में जो A1 लेवल की होती है 4,400, A2 का जो एग्ज़ाम फीस होता है 5,000 होता है, B1 5,800, B2 7,000 और C1 7,500, ठीक है, C2 8,400। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो फीस, एग्ज़ाम फीस है, ये फीस दिल्ली की है, दिल्ली के सेंटर की है, ठीक है। और वहाँ की जब आप जयपुर में करेंगे तो जयपुर में 500, 600 या 800 रुपये ज़्यादा लेते हैं लोग, है ना, क्योंकि मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो जैसे इनका सेंटर नहीं होता खुद का, एक स्कूल को हायर करते हैं, तो वहाँ पे भी ये लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये तो खैर वहाँ के जो इंस्टीट्यूट सर्वांतिस की जो फीस है वो लोग पढ़ाते हैं, जो लिखा हुआ है इस पेज पे। तो ये आपका गूगल पे आप टाइप करेंगे दिल्ली इंस्टीट्यूट सर्वांतिस, तो वहाँ पे आपको सारी एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी और सब कुछ यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर, रिजल्ट, है ना, ये सब जो ये सारी डिटेल आपको इनके पेज से मिल जाएंगे। और इन फ्यूचर अगर आप जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखते हैं तो सर्वांतेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गूगल पे टाइप करिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा उसको आप जब अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपके सामने तमाम पेजेस होंगे जो जहाँ जहाँ इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपको दिखेंगी। जैसे ये एक टूरिज़्म में है, इनका फ़ोन नंबर भी दिया होता है, एड्रेस भी दिया होता है, आप जाके इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि जैसे गोइन का स्कूल आप सबने सुना होगा, यहाँ पे भी जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक अभी एक हॉस्पिटल में भी है ना, मेडिकल फील्ड में आपको ट्रांसलेटर की जॉब होती है तो वहाँ पे भी मिलती है। इसमें इन्होंने देखो सैलरी भी दिखा रखी है कि 5 से लेकर 8 लाख पर एनम, और वर्किंग डेज 6 वर्किंग डेज, और टाइमिंग 9:30 to 6 PM, है ना, ये यहाँ का है। फिर ये हॉस्पिटल का। फिर उसके बाद एक सबसे अच्छा भी निकला था, ये जो न्यूज़ एजेंसी है,
जो जो लोग जर्नलिस्ट अगर आगे चल के बनना चाहते हैं, तो इसके बारे में जब आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो अभी आएगा ये न्यूज़ एजेंसी, ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, ये देखो न्यूज़ एजेंसी ये है ना, ये मतलब बहुत नाम है इसका यूरोप में, ठीक है। तो इसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी, इन्होंने जिन्होंने भी इसका फॉर्म वॉर्म भरा था उस उनमें देखो इतने लोग सेलेक्ट हुए, उनका नाम भी आ गया देखो, है ना, ये इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं जो लोग सेलेक्ट हुए थे। तो ये सारी डिटेल जो भी होती हैं सब इसमें भेजते हैं। और जैसे अब क्या डिटेल्स हैं इसमें, तो जैसे ये तो अभी खैर ये डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ में पता चलेगा क्या मांग रहे हैं। तो ये देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो B2 होना चाहिए या फिर C1 लेवल होना चाहिए, है ना। आप इंटर्नशिप के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इनका बकायदे इंस्टीट्यूट सर्वांतेस के साथ खुद टाई अप होता है, ये देखो है ना, अप्लाई ना ये 7 सितंबर के। तो ये है कि आप लोगों का लेवल जो होता है बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाएंगे। इवन लिंक्डइन की जो जॉब होती है उनका भी यहाँ पे दे रखा होता है, जो अभी तो नहीं है, बहुत पहले निकला था, अभी लिंक्डइन में भी जॉब निकली थी और इसी पेज पे लिखा था। इवन ये देखो कॉल फॉर परमानेंट पोस्ट है ना, ये जो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस जो कि एम्बेसी है, एम्बेसी में भी जॉब निकली थी, है ना, इंस्टीट्यूट सर्वांतेस में यहाँ पे भी जॉब निकली थी। एक एक बार मुंबई एम्बेसी में भी जॉब निकली थी। तो ये भी आप रेगुलरली चेक करते रहें, आप जहाँ भी इसमें भी आपको बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगी जानने को, समझने को, क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि अगर हम पहले से उसको ऑब्जर्व करके रखेंगे तो हम अपने आप को उस हिसाब के लिए तैयार कर पाएंगे। कभी आला सारा स्पेनिश सीखने के लिए तो बस ये देख लो, यही पेज देख लो कि क्या हम इस लेवल पे अभी हैं या कितना दूर हैं, ठीक है। तो अब आपको हिसाब ये लगाना है जो मैंने अभी बताया कि टेली एग्जाम डेट जो है हिसाब से, तो ये अब इसका जो अभी आपने जैसे नवंबर में शुरू किया है, ठीक है, तो A1 लेवल का एग्जाम अगर आप तैयार शुरू करते हैं तो मुझे लगता है फिर आप अप्रैल के लिए आप रेडी हो सकते हैं A1 लेवल के लिए। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ A1 एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली A2 को प्रिपेयर करिए। A2 तक के लिए आपको एकदम मई तक खूब लगे रहना लगातार, ठीक है, और जब मई तक आप लगातार रहोगे तो सीधा आप डायरेक्टली A2 दे सकते हो, तो आपके 4,400 रुपये बच जाएंगे। आप डायरेक्टली A2 का फॉर्म भर के आप A2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। A2 का एग्ज़ाम देने के बाद से जो जो नॉर्मल जो जॉब्स होती हैं, जैसे आप में से अगर किसी को बहुत ज़रूरत है भी जॉब जल्दी से करने की, और नहीं भी है तो स्पेनिश की प्रैक्टिस के लिए भी आप स्पेनिश में जो कॉल सेंटर्स हैं दिल्ली में, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप A2 लेवल करने के बाद जैसे 5-6 जगह अप्लाई करो तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आप अपनी स्पेनिश को खूब मजबूती के साथ एकदम जो लगे हैं सीरियसनेस के साथ लगे रहिए, ताकि इन फ्यूचर जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो बेझिझक आप उसके लिए अप्लाई कर सके, और जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो बताइए, फिर मेरी नेटिव स्पीकर मैंने उनको इनवाइट करी, करीब 2 मिनट दे दो, मैं आ रही हूँ आगे यहाँ पे। किसी कोई डाउट, कोई सवाल एग्जाम से रिलेटेड या कुछ? खैर हाँ स्वाति पूछिए। सर, क्या हमारा A2 का प्रिपरेशन मई तक हो जाएगा? अगर आप 2 घंटे हर रोज दे रही हैं मिनिमम, अभी ए 2 से 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे रेगुलर अगर आप दें, आधा घंटा रोज रीडिंग करें, आधा घंटा रोज लिसनिंग करें, ठीक है, तो आपका हो सकता है, ठीक है। एक रीडिंग तो आपको मालूम है बहुत सारे सोर्सेस हैं इंटरनेट पर भी, आप उसको पढ़ते रहिए। स्पॉटिफाई एप्लीकेशन शायद आप सभी को मालूम होगा, किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं पता स्पॉटिफाई? नहीं पता तो सुनिए कि एक एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई, उसमें आप सर्च करिएगा डेले एग्ज़ाम, है ना, डेले एग्ज़ाम जैसे ही सर्च करोगे, या डे टू डे स्पेनिश, एवरी डे स्पेनिश, ऐसा करके लर्निंग स्पेनिश या कन्वर्सेशन इन स्पेनिश, वो अभी से ही आप सुनना शुरू कर दीजिए। आप शुरू आप अभी जिस लेवल पे हो, अभी तो आप
पांचवा चैप्टर कर रहा हूँ हमारे एप्लीकेशन में, कुछ नहीं समझ में आएगा, लिटरली बता रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आएगा, सर दर्द करेगा, ठीक है। और अभी आप उसको बिल्कुल समझ भी नहीं सकते हो, लेकिन आप जितनी बार सुनोगे, अभी से ही हैबिट डालोगे, आदत डालोगे, फिर धीरे 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 उन शब्द, जब आप वो शब्द सीख जाओगे जो मैं वो कैब आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, और आज के बाद से ही हम, मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, 1000 वो कैब का टास्क, ठीक है। वो कैब का टास्क ये है कि आपको 1000 जो वो कैब होने की एक ही हफ्ते में आपको तैयार करने, लेकिन पर वीक 250 वो कैब आपको तैयार करने, 250 वो कैब पर वीक आपको रेडी करके रखने होंगे। वो आपका एडिशनल टास्क है, वो आप करते ही रहिए, ठीक है, वो आप करते रहिए। जैसे अभी दूंगा तो नेक्स्ट वीक में आपको वो 250 वो कैब तैयार करने होंगे। अभी तक आप, अगर आपने खुद भी देखा होगा तो ऑब्जर्व किया होगा, तो पहले चैप्टर में कम से कम 100 वो कैब, दूसरे चैप्टर में कम से कम 200 वो कैब, तीसरे चैप्टर में भी कम से कम 200-300 वो कैब, तो कुल मिला के मैं मान के चलूँ आपकी 500 वो कैब तो रेडी हो चुकी हैं मिनिमम, मैं बता के चल रहा हूँ मिनिमम 500। जिसकी नहीं हुई है तो बहुत पीछे चल रहा, याद कर लो, ठीक है। तो मिनिमम 500 वो कैब प्लीज अभी आपकी चल रही हैं, 1000 वोकैबरी आपकी अभी, जब आगे और एग्जाम, अभी मैं और टेस्ट करवाऊंगा, और जो अब आपका ग्रामर पार्ट शुरू होगा, तो सेकेंड मंथ में हमारा टारगेट ये है कि 500 अभी हो गई हैं आपके पास, 500 में और रेडी करवाऊंगा, अपने जो एग्जाम्स कराऊंगा यहाँ पे, टेस्ट वेस्ट लूंगा उसका, और ये जो 1000 वोकैब का टास्क है ये आपको नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट मंथ तक आपको कम्प्लीट करना है। तो कुल मिला के हमारे पास 2000 वोकैब 2 महीने में रेडी होगी, और लास्ट मंथ में भी जो आप रीडिंग पर डे जो आप रीडिंग कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी नहीं, ये आखिरी 1000 या आखिरी जो 500 है 2000 के ऊपर वाली बुक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप पर डे रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग में जो बुक है आपकी नहीं आ रही है, तो वो आप साइड पे साइड लिख के चल रहे हैं, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको ये जो 3 मंथ का बिगनर हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें आप जब ये ख़त्म हो तो आपके पास मिनिमम 2500 से लेके 3000 वो कैब आपकी रेडी ही हो, रेडी होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे चल के जैसे हमारे पास वो कैब आएंगी, जब हम ग्रामर सीखते जाएंगे तो ये वो कैब ग्रामर सेंटेंस आराम से आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आप लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप लोगों का मई तक A2 वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वाली जो मैंने यूट्यूब की वीडियोस भी भेजी थी, आई होप आप लोगों ने वो भी, कितने लोग हाथ हैंड रेज करिए, कितने लोगों ने वो भी वीडियोस भी देख के इसको रेडी कर लिया। अरे यूट्यूब वाली वीडियो नहीं देखी जो ग्रुप में भेजी थी किसी ने? नहीं, क्या सीरियसली? अगर ऐसे करोगे तब तो मई में भी नहीं हो पाएगा, फिर तो 1 साल और लो। चलो कोई नहीं, लेकिन सभी लोग प्लीज देखो, यही चीज है, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो जो जिस टाइम जो चीज कही जाए वो चीज उसी पर्टिकुलर टाइम पर रेडी होनी चाहिए। अगर आप रेडी करते हो तभी उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी आपने प्रेजेंटेशन याद करी होगी, अब प्रेजेंटेशन भी रेडी करने के लिए आपने कितना एफर्ट किया होगा और कितनी ढेर सारी वो कैब आपके रेडी हो गई होंगी, है ना। चलिए, तो आज आपकी क्लास में हमने इनवाइट किया है मेक्सिको से हमारी नेटिव स्पीकर माहो। माहो, बिनवेनिडा, बुएनोस डियास। होला, बुएनोस डियास, मुचास ग्रासियास। सी, आहोरा मिस अलुमनोस वान अ प्रेजेंटार, टीने के एस्कुचार y टीने के एस्क्रिबिर सुस एरोस एन कमेंटारियोस, ओके? बुएनो, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन, जो हमारा इस वीक का टास्क था। सबसे पहले फैसल क्लास में आए थे, तो फैसल प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन। हेलो सर, कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू। ओके, सो स्टार्ट करूं? या प्लीज। ओके, सो होला टोडोस, जो एस्पेरो के टोडोस के देन बीन। मी नंबर इज फैसल, मी अपेडो सिटीकी। Tengo 24 años. Yo vivo en Delhi, que es la capital de la India. Yo he completado mi graduación en geografía en el año pasado. Ahora estoy aprendiendo español del señor Rezwan. Si hablo sobre de mis aficiones,
me gusta jugar badminton y me gusta dibujar también. En mi familia hay tres miembros. Mi madre es ama de casa, mi hermana menor es estudiante y yo. En mi tiempo libre, yo uso mi móvil o yo salgo con mis amigos. Yo quiero aprender el español porque yo pienso que el español es un idioma muy fácil que otros idiomas del mundo. Ya hay muchas oportunidades de trabajo. Yo espero que poder aprender este idioma rápido con señor Rizwan. Eso es todo sobre mí. Gracias. ¡Wow! Ye mujhe lagta hai ki ab tak ki mere jab se main students ko padha raha hu अब तक की सबसे बेहतरीन सी मानो मेरा एम्पेसा सोलो उन मेस आई एम सरप्राइज दिस ओनली टू सिक्स मुय बियन सो ओके ये इंग्लिश में हम लोग बात करते ताकि इनको भी पता चले सो फैसल फैसल बिफोर वन मंथ आल्सो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेनिश और लाइक हाउ यू स्टार्टेड Since how long you are you have already started Spanish? Sir, actually, I started in last year, and I learned some vocabulary. After that, I also learned some grammar. And there's one teacher who teached me some basic things in Spanish. So that is right. Okay, por eso. वही मैंने कहा कि ये तो जब अचानक सी पोरेसो क्योंकि जब बच्चे जब शुरुआत एकदम जीरो से शुरू करते हैं तो वो ऐसा नहीं बोल पाते पहले फर्स्ट इस तरह से वीक में खैर मुय बियन फेलिसिडादेस सोलो दोस एरोरेस मास फासिल के ओत्रोस इडियोमास और एस्पेरो के पोएदा मुय बियन वेरी गुड ये तो सुपुंती मास फासिल बिकॉज़ ही वाज डूइंग कंपैरिजन espero que pueda, algo así. Bueno, very good. Chelia, abhi, I'm going to invite Swati. Hola a todos. Mi nombre es Swati y yo soy de India. Yo vivo en Japón. Actualmente estoy trabajando en el banco en Rutin. Yo tengo 26 años. Mi cumpleaños es en 22 de abril. Soy estudiante en Art Language School. Mi materia favorito es inglés. Mi deporte favorito es la natación. Hay tres personas en mi familia, incluyéndome. Sus nombres son Yogendra Sharma y Krishna Sharma. Soy la única hija de mis padres. Mi padre está haciendo un trabajo privado y mi madre es ama de casa. Mi pasatiempo es cocinar, viajar y bailar. En mi tiempo libre también me gusta leer libros y ver películas. No me gustan las personas falsas. Mi comida favorita es la pizza y todo lo que cocina mi mamá. Mi bebida favorita es el café. Mi día favorito de la semana es domingo porque yo estoy libre. Mi mes favorito es abril porque es mi cumpleaños. Mis cantantes favoritos son Arijit Singh y Selena Gomez. La mejor película de todos los tiempos es Tres Idiotas. Mi primer lugar favorito es Vrindavan porque soy un devoto del Señor Krishna. Y el segundo lugar favorito es Mussoorie porque soy amante de la naturaleza. Estoy aprendiendo español porque es uno de los idiomas más hablados en el mundo y habría grandes oportunidades de trabajo internacional para mí. Ese es todo sobre mí. Gracias. ¡Qué bien! Creo que todos son perfectos en esta clase, ¿no? Are you sure they have only 1 month? Seriously, 1 month. It is like not even 1 month, just 20 days. You know, she doesn't speak like robot. Yes, she's speaking also perfect in pronunciation, vocab,
and everything like grammar also is very nice Swati. Even I would like to know, like, before 1 month you were also like doing practice, or you have started just with us? No sir, I have just started with you only from the 1st November. No, es una sorpresa, es una sorpresa de verdad para nosotros. माहो हमारे साथ करीब 1.5 साल हो गया. ये भी हैं और भी कई स्टूडेंट हैं, मतलब कई लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, लेकिन सीरियसली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था. और ये तो अगर मैं डांस इंडिया डांस करता तो क्या बात वही वाला होता, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आपने 1 महीने पहले जब हम लोगों के साथ ही शुरू किया है, और अगर आपने इस तरह से बोला है, तो मुझे मालूम है कि आपने दिन रात एक कर दिए होंगे इस परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज लिटरली इट इज़ नॉट ईजी. बिकॉज हम लोगों को नई नई शब्द सीखने होते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा कि नहीं होगा, और फिर उसके बाद हम उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे. इवन आप ऐसा नहीं कि बहुत एकदम जैसे छोटे बच्चे स्कूल में होते उस तरह से बोल रहे हैं, आप बकायदे पॉज लेके उस तरह से भी बोल रहे थे. बहुत ही अच्छा था, मतलब सरप्राइज हम भी और माहो भी. सी माहो के कह रहे थे सी पुदे दे सी एल्गो आई आई इन इंग्लिश. यस सर, आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज़ यू नो आई हैव हेल्प्ड योर टीचर फॉर मेनी टाइम एंड ही हैज अनदर स्टूडेंट्स दैट हैव मोर टाइम देन यू लर्निंग एंड दे speak like robots. Mm-hmm. They don't have good grammar and they are, of course, I am not saying that they are not serious with Spanish, of course they are, but I know it's not easy. But you, in less than 1 month, wow, 20 days, no 1 month, oh. 20 days. No, es muy bien, very nice. You speak like native speaker. Yes, she speak like native speaker, no mistakes in grammar, only the mistakes was in pronunciation that I have written. But knowing grammar, oh my god, I cannot believe it. You have only 20 days learning Spanish. Mm, mira, mis, los indios son inteligentes, ¿no? Yes, yes, son. Very nice. Very good. Okay, Swati, तो इसी तरह से आप जारी रखिएगा. मुझे आपका क्यों आपने कितना टाइम दिया इसको प्रिपरेशन करने के लिए? तो जब से आपने लास्ट क्लास में बताया था, तभी तो, से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था. तो कैसे, मतलब पूरा लिखा पहले सब, एक एक चीज को सबको नोट किया, कितनी बार सुना एप्लीकेशन में जो वीडियो बनाए थे उसको सुना भी आपने कई बार? फाइल में जो आपका वो पीडीएफ है उससे सारी हेल्प लेके उसमें सारी अपनी चीजें ऐड करी. वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा. चलिए आइए वर्षा जी, बिनवनीता प्लीज शुरू करिए. Hola amigos, mi nombre es Sosha, yo tengo 20 años, mi cumpleaños es en 16 de octubre 2002, yo soy de India, yo vivo en Bulandshahr y pasado 12 en CBSE Board, yo soy de graduate, estoy estudiando de español, mi graduate en silenciado en comercial, hoy tres personas en mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano. Tengo un hermano mayor. Mi pasatiempo es escuchar música. Me gusta sobre todo pasar tiempo conmigo. Me gusta sobre todo pasar... mi cantante favorita es Yash Madak y Jubin Nautiyal. Mi deporte favorita es badminton. And my favorite fruit is mango. Me gusta bailar. Mm-hmm. And y soy estudiando en nuestra escuela de idioma. Mi color favorita es el negro. Mm-hmm. La mejor peculiaridad de todos los tiempos es tres idiotos. Mm-hmm. Mi cantante bailar, pero no sé cómo hacerlo. Eso es todo sobre mí. Gracias. Muy bien, Varsha. Muy bien. Very, very nice. एक हफ्ते की जो प्रेजेंटेशन होती है
उसमें जिस तरह से आप लोगों को तमाम वोकैब याद करना होता है, प्रोनाउंसिएशन, ये बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं भी आप लोगों के लिए अभी भी इस स्टेज पे आ गया, अगर मुझे कोई कहा जाए कि तुम कोई चीज एकदम याद करके उस हिसाब से बोलो, तो मैं बिल्कुल भी अपने मन से स्पेनिश बोल लूंगा, लेकिन कोई याद करके वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से प्रिपरेशन करी, बहुत ही अच्छा था। बहुत कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि वो माहौल ने लिखी हुई है, जैसे इडियोतास है ना, वो जो इडियोतास है वो मिस्टेक है, और ग्रादुआसियोन है ना, और जो आप एम ए होता है स्पेनिश में, मैं आपको लिख देता हूँ, तो ये मे होता है, इसको मे पढ़ते हैं और इसको मी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों में फर्क रखिएगा आगे चल के जब भी आप पढ़ेंगे। आर्टिकल्स और अनो पोदेमोस डेसी पोर्के आउन नो इंसेनिया, इंटोसोस एजोस वान अ अप्रेंडर इन सिगेंटे सेमाना। ओके, बुएनो, सी माहो, ¿quieres decir algo? Ahí ya. She's doing good.